हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को वापस से रिवाइज काउंसलिंग डेट्स का शेड्यूल बताने आई हूं, क्योंकि हमारी राउंड वन की जो काउंसलिंग है नीट 2019 की, वो दो दिन एक्सटेंड कर दी गई थी, 8 तक हो गई थी, आज 9th है और आज से जो है सेकंड काउंसलिंग चालू होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब रिवाइज शेड्यूल जो है वो आ गया है और मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ। तो राउंड टू जो है हमारा, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो रहेगी आपकी 11th जुलाई से 13th जुलाई तक, यानी कि आज से दो दिन बाद से चालू होगा और 13 जुलाई के शाम 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग जो है वो दूसरे दिन से चालू हो जाएगी, यानी कि 12th जुलाई से। पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 13 जुलाई के दोपहर 12 बजे तक अवेलेबल रहेगी। उसके बाद जब 13 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तो 14 जुलाई को आप चॉइस जो है, जो आपने फिल की है, 12 तारीख से आप चालू कर सकते हो, 14 को भी आप फिलिंग कर सकते हो और उस दिन वो लॉक हो जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप चॉइस फिल कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। अगर आपने शाम को 5 बजे तक लॉक नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी 15 से 17 जुलाई, इस दिन आपका प्रोसेस चलेगा सीट अलॉटमेंट का और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे 18 तारीख को। और उसके बाद 18 से 25 यानी कि 8 दिन जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें, ठीक है। इसकी भी डेट जो है वो चेंज हो सकती है, फिलहाल यही शेड्यूल आया है, जैसे ही कुछ डेट में चेंज आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद जो भी हमारी सीट्स नॉन रिपोर्टिंग या नॉन ज्वाइनिंग सीट्स बच गई वो स्टेट कोटा में चली जाएंगी 25 जुलाई को। उसके बाद होगा हमारा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में क्या होगा हमारा, 13th अगस्त से चालू होगा, 15th अगस्त तक चलेगा शाम 5 बजे तक। पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 16 अगस्त तक रहेगी, दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद 16 अगस्त को ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, शाम को 5 बजे तक लॉक कर सकते हो आप अपनी चॉइसेस को। 17 अगस्त को प्रोसेस चलेगा सीट अलॉटमेंट का और 18 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर 7 दिन रहेंगे 20 से 26 अगस्त जिसमें आप अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते, ठीक है। सो ये चेंज हुआ है शेड्यूल, आगे भी चेंज होने के आसार हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी मुझे लगता है जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ डिले हुआ है, वैसे सेकंड काउंसलिंग में भी हो सकता है। फिलहाल यही डेट्स हैं तो इन डेट्स के हिसाब से आप अपना शेड्यूल जो है वो तय कर लेना, ठीक है। सो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और एक और बात, जिन लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में अपना मनपसंद का कॉलेज मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्हें नहीं मिला है, जो सेकंड काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। तो आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, इन सब जगह भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। That's all for today, guys. Thanks for watching. Bye-bye.